में किसी भी बूथ में कोई भी समस्या पैदा होने की दशा में तत्काल कुछ ही मिनटों के अंदर पहुंचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहेगा, जो मौके पर वायरलेस की कनेक्टिविटी से जुड़ा रहेगा और कहीं भी समस्या होने पर जो पुलिस बल बूथ में मौजूद है वो तत्काल हमारी पुलिस मोबाइल्स को संपर्क कर सकेगा। इसकी पूरी मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन प्लान कंट्रोल रूम इंदौर से फाइनल हो चुका है और कहीं कोई समस्या आने पर विद इन नो मिनट्स कम्युनिकेशन वायरलेस के माध्यम से और पुलिस के जो मोबाइल नंबर हैं उनके माध्यम से बूथ पर और पुलिस मोबाइल पर उपलब्ध रहेगा। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं। करीबन हमारे 180 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हमने आदर्श पोलिंग स्टेशन के रूप में कन्वर्ट किया है। इसी क्रम में जाल सभागृह के पास हमारा जो पोलिंग स्टेशन है उसे हम लोग एक अलग तरह से, ताकि हमारे वोटर्स को एक अलग एक्सपीरियंस हो, उस रूप में उसको हम लोगों ने डेवलप किया है, जो आज शाम तक अपने अंतिम रूप में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र पे छाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और वॉलेंटियर्स की भी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की हुई है, ताकि हमारे जो निःशक्त वोटर्स हैं, दिव्यांगजन हैं और जो हमारे जो बुजुर्ग वोटर्स हैं उन्हें किसी असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं। करीबन हमारे 180 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हमने आदर्श पोलिंग स्टेशन के रूप में कन्वर्ट किया है। इसी क्रम में जाल सभागृह के पास हमारा जो पोलिंग स्टेशन है उसे हम लोग एक अलग तरह से, ताकि हमारे वोटर्स को एक अलग एक्सपीरियंस हो, उस रूप में उसको हम लोगों ने डेवलप किया है, जो आज शाम तक अपने अंतिम रूप में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र पे छाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और वॉलेंटियर्स की भी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की हुई है, ताकि हमारे जो निःशक्त वोटर्स हैं, दिव्यांगजन हैं और जो हमारे जो बुजुर्ग वोटर्स हैं उन्हें किसी असिस्टेंस की आवश्यकता होती है 8.89%, ऑलमोस्ट 9%। लेकिन जो महिलाओं की संख्या में वोट इजाफा हुआ है वो है 12.86%, लगभग 13% है। इसी के कारण हमारा जो जेंडर रेशियो था, जो पिछले लोकसभा निर्वाचन में 912 था, अब वो इम्प्रूव होकर वर्तमान में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 945 हो गया है। सर्विस वोटर्स की संख्या में भी करीबन 46% का इजाफा हुआ है। पिछले लोकसभा निर्वाचन में करीबन 1100 थे, वर्तमान में पूरे जिले में जो वोटर्स हैं सर्विस वोटर्स, वो 1891 हो गए। पोलिंग स्टेशन्स हमारे पिछले विधानसभा में 3116 पोलिंग स्टेशन्स थे, जो वर्तमान में घटके 2881 हो गए हैं। पिछले विधानसभा इलेक्शंस में हमारे 1400 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस थे, जो वर्तमान में 1394। स्मैक और डोडा चूरा के भी प्रकरण बनाए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग 14.5 लाख रूपये है। आबकारी अधिनियम में 1438 लोगों को इसकी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। गैर जमानती वारंट की तामीली में काफी सराहनीय कार्रवाई हमारी रही है, जिसमें 3006 वारंट नॉन अवेलेबल वारंट्स और 1468 वारंट परमानेंट वारंट्स इस पूरे आचार संहिता के दौरान तामील को इसके परिधि में लाया गया था। 2179 लोगों पर फाइनल बाउंड ओवर हो चुका है और 151 के तहत 3545 लोगों पर कार्रवाइयां की गई थी, जिसमें 2115 लोगों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई हो चुकी है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 107-16 के उल्लंघन में 11 लोगों पर, 110 के उल्लंघन में 211 लोगों पर और 151 के उल्लंघन में 19 लोगों पर 122 CRPC के तहत उल्लंघन की कार्रवाई की गई है और उनके बंद पत्र जो निष्पादित कराए गए थे उसकी जमानत जब्त करा करके उनको जेल भेजा गया। जिला बदर के 32 आदेश वर्तमान में प्रभावशील हैं और 10 NSA किए गए हैं। इसमें अभी तक लाइसेंसी शस्त्र की जो जमा कराने की कार्रवाई है वो अत्यंत संतोषजनक रही है। वर्तमान में कोई भी लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने हेतु शेष नहीं है। अवैध शस्त्र और हथियार पर 802 कार्रवाइयां जिले में की गई हैं। पुलिस के द्वारा देशी और अंग्रेजी शराब के क्रमशः 11,680 लीटर जब्ती की कार्रवाई